हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड के बारे में, जो कि इसको हम बोल सकते हैं बोलजानो मेथड भी। तो इसका थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम इसका समझिए कि थ्योरम क्या है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में हमारा थ्योरम होगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं थ्योरम कैसे प्रूव होगा। इसका थ्योरम हमारा है, जैसे कि एग्जाम में आ सकता है स्टेट बोलजानो मेथड, ठीक है, या फिर बाइसेक्शन मेथड। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। थ्योरम देखिए क्या होता है कि इन दिस मेथड मेथड में क्या करते हैं, वन टू रूट हम निकालते हैं, ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसका रूट निकालते हैं। जैसे इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा इक्वेशन यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, ये एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस नाइन कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो यही हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। देन फिर क्या कि लेट अस सपोज दैट टू पॉइंट लेते हैं, इसमें दो पॉइंट लेंगे हम, टू पॉइंट्स, क्योंकि हमारा पॉइंट्स क्या है कि एक्स नॉट है एंड एक हमारा एक्स वन है, ठीक है, एक्स नॉट और एक्स वन। देन सच दैट देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट हम निकालेंगे एंड एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे, ऑफ एक्स वन, तो उसमें क्या होता है कि दोनों में से कोई एक अपोजिट साइन रहेगा, हम किसी एक को कंसिडर करेंगे, आर ऑफ अपोजिट साइन। फॉर डेफिनेस लेट हम मान लेते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स नॉट के पास है नेगेटिव साइन, इज नेगेटिव, ठीक है। नाउ क्या वी बाइसेक्ट करेंगे, ये हमारा देखिए एक्स नॉट और एक्स वन जो हमारा पॉइंट लिए हैं उसको बाइसेक्ट करेंगे। नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल जो हमारा रहेगा एक्स नॉट और एक्स वन इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे, देन एन डिनोटेड करते हैं तो बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट हो जाता है हमारा, ठीक है, तो मिड पॉइंट बाई क्या एक्स टू से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक। देन फिर देखिए कि तो इसमें से क्या होगा कि तीन केसेस अराइज होगा, हियर Arises थ्री केसेस, ठीक। तो नंबर वन क्या होगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स टू हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट हुआ, तो एफ ऑफ एक्स टू अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, इसका फिगर क्या बनेगा, देखिए एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू जीरो हुआ तो देखिए ये हमारा एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्सिस हुआ, एक पॉजिटिव साइन रहेगा एक नेगेटिव साइन रहेगा। इसमें देखिए x नॉट जो हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट जो हमारा था तो उसको हम नेगेटिव माने थे, तो x नॉट नीचे रहेगा और x1 जो हमारा ऊपर रहेगा, तो ऐसे फिगर बनेगा इसका। यहाँ पे होगा क्या, ओके, इसका होगा क्या कि एफ ऑफ एक्स नॉट ये नेगेटिव माने थे तो नीचे नेगेटिव एफ ऑफ एक्स वन ये हमारा हो गया, और यहाँ जो ये हमारा मिड पॉइंट जो हो जाएगा वो हमारा एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट। एंड देन सेकेंड जो हमारा केस होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू अगर लेस देन जीरो हुआ, जीरो से कम हुआ, तो उसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस, ठीक, यहाँ नीचे ये हमारा ऊपर, तो देखिए लेस देन जीरो हो गया मीन्स क्या हो जाएगा कि इधर वाला जो पॉइंट होता है हमारा, जैसे कि नेगेटिव, ये लेस देन जीरो मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया हमारा, तो नेगेटिव जो होगा तो इस टाइप का फिगर बनेगा। और देखिए नेगेटिव पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, नेगेटिव तो नीचे तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, मीन्स हमारा एफ ऑफ एक्स टू जो होगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, देखिए, और एफ ऑफ एक्स जीरो तो ये नेगेटिव था ही, और ये हमारा एफ ऑफ एक्स वन ये वाला फिगर बनेगा इसका,
एंड देन थर्ड क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स टू अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो क्या होगा। तो देखिए थर्ड पॉइंट हमारा जो है एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, तो इसका जो फिगर होगा वो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे है ठीक, ये हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारा एफ ऑफ एक्स वन हो गया, तो इसमें होगा फिगर ऐसे बनेगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव टर्म हो गया कि एफ ऑफ एक्स टू बड़ा है जीरो से, तो पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा। ये तीनों फिगर आपको दिखाना पड़ेगा ड्रॉ करके। फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स टू अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो यही हमारा रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा, देन एक्स टू बी द रिक्वायर्ड रूट ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का, जो हमारा गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन उसका रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का ठीक। देन ठीक क्या, अगर हाउएवर इफ एफ ऑफ एक्स टू अगर लेस देन जीरो हो गया, जीरो से कम हो गया मीन्स नेगेटिव हो गया, देन क्या हो जाएगा, द रूट जो हमारा है रूट ऑफ द इक्वेशन ठीक है लाइज करेगा, किसके किसके बीच में लाइज करेगा, देखिए लाइज ये हमारा बिटवीन द इंटरवल एक्स टू और एक्स वन के बीच में लाइज करेगा। देखिए एक्स टू और एक्स वन के बीच में कैसे लाइज करेगा, जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म्स है ठीक, इसका फिगर ये है लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका फिगर ये है, तो यहाँ पे एक्स नॉट है, यहाँ पे एक्स टू और एक्स वन है, मीन्स हमें क्या चाहिए मिड पॉइंट, मीन्स हमें रूट चाहिए, तो रूट जो हमारा है वो कहाँ पे लाई करेगा, देखिए यहाँ पे एक्स टू और एक्स वन है तो एक्स टू और एक्स वन के बीच में ही कहीं लाई करेगा ठीक है। एंड देन अगर इफ एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन जीरो हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए तब क्या हो जाएगा, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा, द इंटरवल, देखिए अब इसका ये फिगर है ठीक है, तो अगर हमारा एक्स टू ग्रेटर देन जीरो हो जाए, बड़ा हो जाए, तो फिर कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए ये एक्स नॉट और एक्स टू के बीच में लाई कर रहा है, इधर और इधर के बीच में लाई कर रहा है ठीक है, एक्स नॉट और एक्स टू के बीच में ठीक, मैं लिखेंगे इंटरवल क्या, एक्स नॉट और एक्स टू के बीच में लाई करेगा, और अगर लेस देन जीरो हो तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स टू और एक्स वन के बीच में, अगर ग्रेटर देन जीरो तो एक्स नॉट और एक्स टू के बीच में लाई करेगा ठीक। देन फिर क्या लिखेंगे, अगेन अगेन ठीक है, वी बाइसेक्ट करेंगे फिर से द न्यू इंटरवल जो हमारा बनेगा एंड डिनोटेड, फिर से उसका नेम दे देंगे कुछ भी, जैसे डिनोटेड करेंगे क्या एक्स थ्री से डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड एक्स थ्री, एंड फिर कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स थ्री को ठीक है, वेयर क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स थ्री जो हमारा रहेगा वो हमारा मिड पॉइंट रहेगा, इज मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल का मिड पॉइंट रहेगा ठीक है। देन मिड पॉइंट, देन फिर क्या होगा देखेंगे, हेंस वी ऑब्जर्व दैट इन दिस केस या इन दिस मेथड क्या कि द इंटरवल जो हमारा हो जा रहा है वो बार बार क्या हो जाएगा, वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगा, इंटरवल इज हाफ, इन ईच स्टेप में हर एक स्टेप में हाफ हो जाएगा, सो वी स्टॉप
द प्रोसेस, कब प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, ऑफ इटरेशन। इस टर्म जो हम निकालते जाएंगे उसको इटरेशन बोलते हैं। देखिए इटरेशन तक लिखेंगे, फिर इटरेशन क्या होता है, ये हमारा साइकिल होता है, ठीक है। इटरेशन साइकिल जो हम निकालते हैं वैल्यू वो निकलेगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इटरेशन साइकिल एज वी गेट रिक्वायर्ड रूट जो हम निकालना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। गेट रिक्वायर्ड रूट ऑफ द डिजायर डिग्री, ऑफ एक्यूरेसी, फिर ये हमारा फाइनल आंसर तक हो जाएगा, ये हमारा थ्योरम हो गया।